हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आया है वो है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को लेके, यानी कि NCSK के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इज़ स्टेचुरी बॉडी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी वो एक स्टेचुरी बॉडी है। दूसरा ये कह रहा है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम है वो करता है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको पता है मैनुअल स्वेंजरिंग है, इसके लिए एक्ट आया था कि हमारे देश में जो मैनुअल स्वेंजरिंग है उसको बैन किया गया है। इसके साथ ही जो मैनुअल स्वेंजरिंग के लोग करते थे पहले उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक्ट भी बनाया गया था 2013, तो उसको यह इम्प्लीमेंट है वो करता है। अब आपको बताना है कि ये तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखो, हम यहाँ पर बात करें NCSK के बारे में, तो जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है ना, ये एक नॉन स्टेचुरी बॉडी है, ना कि स्टेचुरी। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो उसके आधार पे आप डायरेक्टली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो कि थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी पहला, दूसरा और जो चौथा है इसमें फर्स्ट यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया है। अब देखो, इसके बारे में दो तीन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। ये 2004 के अंदर एक्ट बनाया गया था, NCSK एक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि एक्ट कब आया था, और ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसको स्टार्टिंग में एक्चुअली हम बात करें कि एक स्टेचुरी बॉडी के तौर पे बनाने की बात है वो की गई थी, बट इसके बाद में इसको नॉन स्टेचुरी बॉडी है वो शिफ्ट कर दिया गया था, तो इसलिए इफेक्ट है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया है ई औषधि के बारे में। क्वेश्चन ये है कि ई औषधि जो पोर्टल है वो किसके लिए, अभी कौन सी एजेंसी के लिए रिलीज है, वो क्या गया है। तो देखो, यह जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। इसमें होगा क्या, जो होम्योपैथिक जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं उनके ऑनलाइन रिटेलिंग को लेके है आया है। तो ई औषधि आपको ध्यान में रखना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वगैरह का, तो ये फिक डायरेक्टली। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है ग्लोबल फंड के बारे में। क्वेश्चन है कि ग्लोबल फंड है वो आजकल न्यूज़पेपर में दिखाई देता है, एक ये जो कि एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम है वो डिजाइन किया गया, किसके लिए डिजाइन किया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। मतलब सीधी सी बात है कि ग्लोबल फंड है वो न्यूज़पेपर में आता है ये वर्ड, ये किससे रिलेटेड है, कौन से डिजीज से, बेसिकली मतलब लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे एड्स, दूसरा दिया गया ट्यूबरक्लोसिस, तीसरा दिया गया यहाँ पे मलेरिया, और चौथा दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, जो ग्लोबल फंड है ना वो इन तीन मेजर डिजीज को ही कवर करने के लिए बनाया गया है, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, तो ये इफेक्ट आपको यहाँ पे रखने याद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इसके जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके चेयरपर्सन यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ये एक्चुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये यहाँ पे कह रहा है कि जो फॉरेस्ट लैंड वाला एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, मतलब एक तरीके से अपना काम है वो करती है। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, आप पहले स्टेटमेंट पे एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट होते हैं। तो देखो, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको जो मेन चेयरमैन होते हैं, हम चेयरपर्सन मैन की बात करें इस बॉडी के बारे में, यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के जो चेयरपर्सन होते हैं वो तो होते हैं प्रधानमंत्री, बट इसके जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अब जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है वो आया है इंडो जर्मन एनवायरनमेंट फॉर्म को लेके। पहला तो इसमें देखो क्वेश्चन यही बन सकता है कि यह का पहला सबमिट वगैरह था या फॉर्म वगैरह था। तो देखो यार, थर्ड इंडो जर्मन एनवायरनमेंट फॉर्म है वो अभी नई दिल्ली में आयोजित है वो किया गया था। इस बार की थीम थी वो यहाँ पे थी क्लीन एयर और ग्रीनर इकोनॉमी, मतलब स्वच्छ वायु और हरित अर्थव्यवस्था, इसकी इस बार की थीम रही थी, तो इसलिए ये फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें था क्या इंपॉर्टेंट, इसमें एक दो फैक्ट आपको ये ध्यान रखने हैं कि देखो, आपको पता है कि 2015 में आया था पेरिस एग्रीमेंट आया था, और उसके बाद में आपको पता है कि एजेंडा 2030 की बात की गई थी कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 टारगेट्स हैं इनको अचीव करना है, और उसके लिए सारे के सारे सीक्वेंस वो अरेंज की गई थी कि इन इन कंट्रीज को ये स्टेप हैं वो भी लेने हैं। अब अगर उनको पेरिस क्लाइमेट चेंज को अगर हमें रियल लूप पे इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें फ्रेमवर्क बनाना होगा, कुछ ना कुछ हमें एक तरीके से तैयार करना होगा, हम बोलते हो गाइडलाइन वगैरह, इसके साथ ही उसकी तरफ हमें क्रियान्वयन करने के लिए हमें अहम बात कहें इंप्लीमेंट करना है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंज को देखते हुए हमें उस तरीके से स्टेप हैं वो उठाने होंगे। और मेन बात हम बात करें तो एशिया पेसिफिक की जो कमेटी है वो, और इसी के साथ फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है,
इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे स्टेप वो उठाए हैं, और अभी जो कोलेब्रेशन हुआ था इंडो जर्मन का, इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसका जो आयोजन भी किया गया था इस फॉर्म का, वो दोनों कंट्रीज की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और इसी के साथ ही एक एशिया पैसिफिक एरिया की जर्मन बिजनेस और एक फिक्की एक और कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा मिलकर किया गया था। तो ये फैक्ट भी यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। इसके साथ देखो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ इसमें जो बिजनेसमैन थे, डिफरेंट स्टेक होल्डर हो गए, एनजीओ वगैरह हो गई, और भी तरह के लोगों ने इसमें रिप्रेजेंट है वो अपनी भागीदारी है वो निभाई थी। तो ये तो कुछ खैर बेसिक सी चीज़ें हमारे लिए, यहाँ पे दो तीन फैक्ट थे वो हमने कवर किए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है फैक्ट सीट चाइल्ड मैरिज 2019 रिपोर्ट को लेकर। ये देखो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसलिए है कि अभी यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई इंडिया को लेके। मैंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट है वो किया गया है, उसका है नाम है यहाँ पे फैक्ट सीट चाइल्ड मैरिज 2019 रिपोर्ट। अब नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि ऑब्वियसली चाइल्ड मैरिज को लेकर रिपोर्ट है वो आई है। तो देखो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया में जो चाइल्ड मैरिज है ना, उसके कुछ दशकों में कमी तो आई है, बट अभी भी राजस्थान में इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे बिहार हुआ, बंगाल हुआ और राजस्थान, यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में चाइल्ड मैरिज हैं वो जारी हैं। इसके साथ ही इसमें ये दिया गया यूनिसेफ की रिपोर्ट में कि ये जो राज्य है मेनली जो यहाँ पे बिहार बंगाल राजस्थान, इसमें लगभग 40% जो शादियाँ होती हैं वो चाइल्ड मैरिज के अंदर काउंट है वो होती हैं, मतलब चाइल्ड मैरिज है वो होती हैं। इसके साथ ही जो इसमें सबसे ज़्यादा मैरिज होती हैं चाइल्ड मैरिज, उसमें ये दिया गया है कि ये जो कुप्रथा है, ये जो आदिवासी जो गरीब लोग होते हैं या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होती हैं, उनमें मेनली चाइल्ड मैरिज का ज़्यादा प्रचलन है। और रिपोर्ट में तो एक फैक्ट ये भी दिया गया है कि 2005-06 में 47% में लड़कियाँ थी उनकी शादी 18 साल से पहले हो गई थी। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि 2005-06 के टाइम की अगर हम बात करें तो उस दौरान लगभग 47% जो शादियाँ होती थी वो चाइल्ड मैरिज होती थी। और उसी के बाद जो आप आंकड़ा करें 10 साल बाद, मतलब 2015-16 का अगर डाटा की बात करें तो उसमें आंकड़ा रह गया 27%। मतलब कमी तो आई है बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 27% का भी मायने रखता है। मतलब 100 शादियों में से 27 जो शादियाँ हो रही हैं वो तो चाइल्ड मैरिज के तहत ही काउंट है वो की जा रही हैं। तो ये कुछ देखो यहाँ पे डाटा वगैरह दिया गया है जो कि हमें आंसर राइटिंग में यूपीएससी इसके ऊपर भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकती है। इसके साथ थोड़ा इसमें ये देखो और भी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं कि साउथ एशिया के बारे में बात किया गया है कि साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती हैं विश्व में, इवन ना कि अफ्रीका में। अफ्रीका में भी चाइल्ड मैरिज कम होती हैं कंपेयर टू साउथ एशिया के बारे में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो कि भाई अफ्रीका में ज़्यादा ट्राइब्स वगैरह हैं तो वहाँ पर ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती होंगी, ऐसा नहीं है। साउथ एशिया में ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हैं वो होती हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा ये दिया गया है देखो कि ये आप एक बार देख सकते हो कि साउथ एशिया है उसमें पहले कुछ दशकों की हम बात करें तो वहाँ पे 49% जो शादियाँ थी वो क्या हो रही थी, चाइल्ड मैरिज होती, बट अभी 10 साल की बात करें रिसेंटली तो वहाँ पे 30% में शादियाँ हैं वही एक्चुअली चाइल्ड मैरिज के तहत हो रही हैं। तो थोड़ा फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पे दिया गया कि ग्लोबल लेवल पे जो वुमेन है उनकी शादी 18 साल से पहले 21% की हो जाती है, मतलब 21% ऐसी महिलाएं हैं विश्व में जिनकी शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे टोटल फैक्ट भी दिया गया है कि लगभग 650 मिलियन गर्ल ऐसी हैं, गर्ल या वुमेन, जिनकी शादी अभी तक चाइल्ड मैरिज के तौर पे की गई है। तो ये कुछ यहाँ पे देखो डाटा दिया गया है जिसको हम कहीं आंसर राइटिंग में या फिर ऐसे राइटिंग वगैरह ऐसी जगह पे हम इसका यूज है वो कर सकते हैं। इसके साथ इस रिपोर्ट में देखो कुछ रीजंस वगैरह वो भी हम एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया के क्या स्टेप उठाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हम बोल सकते हैं। अब देखो एक बेसिक सी बात याद है कि चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह की बात करें तो उसके कारण क्या क्या हैं। देखो एक तो सबसे बड़ा कारण है गरीबी, दूसरा कारण यह है कि हमारी सोसाइटी की थिंकिंग, और तीसरा कारण हम ये बोल सकते हैं कि लड़कियों की शिक्षा है वो काफ़ी लो लेवल की होती है, उनको ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है। तो चौथा रीजन हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि लड़के हैं उनको एक आर्थिक बोझ के तौर पर माना जाता है हमारी सोसाइटी में, और समाज में काफ़ी ऐसी कुप्रथाएँ चल रही हैं, काफ़ी ऐसी भेदभाव की परंपराएं हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं मजबूरीवश, और ये भी एक बाल विवाह का मेजर कारण है वो होता है। इसके साथ ही अब देखो इसके रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज होने से एक तो वुमेन एम्पावरमेंट में कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं, एक तो ये रीजन हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही वुमेन का जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है वो भी हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम और बोलें तो वुमेन्स को सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, उनको एक तरह सेक्सुअली टॉर्चर किया जाता है, तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे सामने आ जाते हैं। उनको अच्छी से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती हैं और उनको एक तरीके से घर के काम में ही बिजी है वो रख लिया जाता है। इसके साथ ही ना तो उनका शारीरिक विकास हो पाता है ना ही उसका बौद्धिक विकास हो पाता है, और कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक एबिलिटी हम बात करें उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित है वो यहाँ पे किया जाता है। तो ये हो गया इसके दुष्प्रभाव। अब देखो इंडिया ने इसके लिए स्टेप क्या उठाए हैं, इंडिया ने इसके लिए स्टेप उठाए हैं एक तो यहाँ पे बनाया गया है आपको पता है बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट 2006,
मतलब चाइल्ड मैरिज को अबोलिश करने के लिए 2006 में एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारे देश में चाइल्ड मैरिज के लिए जो एक्ट आया था वो बनाया गया था 1929 में। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का कि 1929 में जब चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाता हमारे देश में तो उस दौरान हमारे देश का वॉइसरॉय कौन था। ये आपको बताना है कि 1929 के टाइम पे हमारे देश में वॉइसरॉय कौन था। यूपीएससी कैसे पूछेगी क्वेश्चन आजकल कि जो चाइल्ड मैरिज को अबोलिश करने के लिए एक्ट आया था 1929 में वो किस वॉइसरॉय के टाइम पे आया था। तो हमें मतलब इंडायरेक्टली ये पूछा गया कि भाई 1929 में चाइल्ड मैरिज आया था उस दौरान वॉइसरॉय यहाँ पे कौन था। इससे बाद में इसको काफी बार अमेंड भी किया गया तो वो कौन कब है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है लेप्रोसी को लेके। देखो लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से भी हम जानते हैं। ये काफ़ी गंभीर बीमारी होती है, अगर इसका टाइम पे इलाज नहीं होता है तो शरीर में एक्चुअली काफ़ी मतलब अंग है उनको क्षति हो जाती है और इसके साथ उनको घटना भी पड़ता है तो कहीं ना कहीं एक तरह हम बोलें तो विकलांगता का सामना करना पड़ता है। अब इसमें एक तो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि यह क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज है और इसका बैक्टीरिया कौन है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये ध्यान रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की हेल्प से यह फैलता है और क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज है। ये तो हो गए इसके दो फैक्ट यहाँ पे। इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि जो लेप्रोसी है ना ये काफ़ी लंबे टाइम तक प्रभावित करती है। ऐसा नहीं कि इसका रिजल्ट आज देखने को मिलता है, धीरे धीरे इसका बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट हैं वो मतलब एक तरह से गलने लग जाते हैं, वो काफ़ी नीले पड़ने लग जाते हैं, काले पड़ने लगते हैं और उसके बाद उनको काटना पड़ सकता है अगर उनका ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं किया गया हो तो। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट देखो भी ये आया था कि हमारे देश में हो क्या रहा था कि कुष्ठ रोग की वजह से काफ़ी ऐसी महिलाएं थी जिनको डिवोर्स दिया जा रहा था तो ये एक मेजर रीजन बनता हुआ जा रहा था आज के टाइम पे तलाक का। तो अभी पार्लियामेंट ने भी एक अमेंडमेंट है वो क्या था एक्ट में, वो एक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है पर्सनल लॉ बिल। तो पहले पर्सनल जो बिल आया था 2018 में इसको अभी एक तरीके से अमेंडमेंट है वो कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पर्सनल लॉ जो बिल था एक्ट 2018 इसमें अभी अमेंडमेंट करके प्रावधान किया गया है कि भाई लेप्रोसी की वजह से आप किसी को डिवोर्स वगैरह नहीं दे सकते हो, नहीं पहले उसको एक मेजर रीजन है वो माना जा रहा था। तो इसको लेके अभी न्यूज़ है मतलब जो आर्टिकल है वो आया तो हमने इसको यहाँ पे कवर है वो किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है कोबरा मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके। देखो कोबरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान में रखना है। मल्टीनेशनल मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट हैं वो करती हैं और मेनली हम बात करें इसको यूएस और थाईलैंड है वो दोनों इसको होस्ट हैं वो कर रही हैं। और एक्सरसाइज पहली बार नहीं हो रही है, इस बार इसका 30th एडिशन है वो आयोजित किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे थाईलैंड में। तो ये भी एक यहाँ पे फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो। इसके साथ अगर हम और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कोबरा मिलिट्री एक्सरसाइज है वो 1982 में स्टार्ट हो की थी बैंकॉक थाईलैंड से और इंडिया ने भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था 2016 में। ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है और इसमें मेनली और हम बात करें केवल और केवल यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे दी जाती है। 2000 चाइना ने भी इसको एडमिट है वो पार्टिसिपेट उसमें किया था। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।